हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आप सबके। सो हम आ गए हैं एक और ब्लॉग में। मैं हूँ अखिलेश, और जैसे कि आपने पढ़ी लिया होगा टाइटल में, तो हम जा रहे हैं शिमला, और हम निकल चुके हैं देहरादून से अपनी थार में, और अभी आगे आगे आपको बताते हैं कहाँ पहुँचे हैं हम। तो अभी तो हम निकले हैं, ठंडा हो रहा है बहुत ज़्यादा, बाहर का टेम्परेचर आपको मैं क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, भयानक। और हम तो अंदर हीटर चला के बैठे हैं, और बिल्कुल ही सुनसान रोड है। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं, मतलब देहरादून से आगे निकल चुके हैं हम, और अब हम सबसे पहले पहुंचेंगे पांवटा साहिब, जो कि देहरादून से अराउंड 40 किलोमीटर दूर है। और रास्ते में हम चल रहे हैं, बस एक ही दिक्कत हमें फील हो रही है, जो है ये ट्रक। बहुत बड़े बड़े ट्रक यहाँ पर चलते हैं रात को 10 से 6 पागलों की तरह, और बस ये क्या ये बताएं आपको। तो आप देख सकते हैं आगे भी एक ट्रक है, हम इससे ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये हमें साइड नहीं दे रहा है, कितनी बुरी बात है। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं विकास नगर चौक पे, और अब हम यहाँ से जाएंगे लेफ्ट, जो कि हमें लेके जाएगा पांवटा साहिब की तरफ। नेशनल हाईवे 507, नेशनल हाईवे 709B। ये लीजिए, आपने फिर से सुन लिया। तो अब हो चुकी है, मतलब उजाला हो चुका है, अराउंड 7 बज रहा है अभी। कंटिन्यू ऑन नेशनल हाईवे 507 फॉर 4 किलोमीटर्स। उजाला हो चुका है, और अब हम बढ़ रहे हैं पांवटा साहिब की तरफ। सो गाइस, ये देखिए कितनी बढ़िया रोड है, और ऊपर पेड़ ही पेड़, बहुत ही मज़ा आ रहा है। और अब हम पहुंचने वाले हैं, सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है पांवटा साहिब, और उसके बाद फिर हम हिमाचल में एंटर करेंगे। ये जो पुल है, ये है उत्तराखंड और हिमाचल की बॉर्डर, और आप देख सकते हैं यहाँ पर पांवटा साहिब में जो पांवटा साहिब मंदिर है, गुरुद्वारा है सॉरी, वो ये है। तो अभी हम यहाँ पे टोल देंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। फास्टैग से कट रहे हैं? नहीं, फास्टैग नहीं है यहाँ, मुझे थोड़ी होते हैं फास्टैग। फास्टैग तो बड़े बड़े वाले, फास्टैग वाला ही रखा है हमने तो। यहाँ कैश चलेगा? कितना कैश पूछना पड़ेगा भैया से, कितना है? 10 रुपये। गाइस, हम एंटर कर चुके हैं पांवटा साहिब में, अभी तो सब बंद ही पड़ा है, दुकानें दुकानें सब बंद है। हमें चाय पीनी थी, बट हमें चाय अभी मिलेगी नहीं। चाय चाहिए मुझे, और सबको तलब लगी है चाय की। अरे बाबा, ये देखो, ये कोर उसमें घुस जाएंगे पांवटा साहिब में, अभी गलियों में। यहाँ देखो, तो गाइज हम रुके हैं यहाँ पे कुछ चाय वगैरह पीने। सो हम गाइज यहाँ रुके हैं थापास हट में, देखते हैं क्या क्या मिलता है भैया के पास। तो गाइज, ये आ गया हमारा टोस्ट और चाय, और काफ़ी टेस्टी है, मैंने बाइट भी ले लिया, देखो आप। तो अब हम खाते हैं फिर चलते हैं। अब हम आ चुके हैं वापसी, और अब हम चलाएंगे गाड़ी। गाइज, हम पहुंच चुके हैं नाहन मेन सिटी में। ये नाहन मेन सिटी है, और बहुत ही बढ़िया सा लग रहा है, नई जगह घूमने में। और अभी हम सिटी से निकल रहे हैं, अभी तो यहाँ भीड़ कम है क्योंकि मार्केट बंद है अभी आधा तो, पर इसको बंद करो, कॉपीराइट आ जाएगा। थोड़ी देर के लिए 30 सेकंड तो यूज़ कर सकते हैं।
गाइस तो शिमला जो है वो 132 किलोमीटर रह गया है यहाँ से, और हिमाचल के हसीन पहाड़ हमारे सामने हैं। गाइस हम आ चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा व्यू अच्छा था तो हमने सोचा थोड़ा फ़ोटोज़ वगैरह ले लेते हैं। तो आप देखिए कितना ही बढ़िया, तो व्यू देखिएगा ये कितना ही तगड़ा है, बहुत ही मतलब बढ़िया व्यू है यहाँ से। और उधर खड़ी है हमारी गाड़ी, हमें मिली है भेड़े यहाँ पे बहुत सारी। ये देखिए कितनी सारी भेड़े हैं, आधार कार्ड भी है इनका इनके गले में लटका है, ये काटेंगे आज ना ना। अरे भैया ने कैसे करीबी देखी है, कंधे पे लेके जा रहे हैं। अरे वो गिर गई होगी, भैया की फेवरेट है वो। बाय बाय भेड़े, बाय बाय। तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं सिरमौर में, हिमाचल में, सिरमौर जिला हिमाचल प्रदेश, ये बस स्टैंड है वहाँ का। यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं बहुत सारी, और ये मेन मार्केट है सिरमौर का, और हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। गाइस हमारे आगे चल रहा है एक हैवी ड्राइवर जो कि है हिमाचल परिवहन, और इनसे साइड लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हाँ जी, पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम ले। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं सोलन, और ये हमारा मार्केट में हम घुसने वाले हैं सोलन के, और मतलब बहुत ही मजा आ रहा है। गाइज कैसा लग रहा है आप सबको, कैसा लग रहा है नरेंद्र आप कमेंट्स पे लिखो, कमेंट्स में नहीं, कमेंट्स में तो व्यूअर्स लिखेंगे, बट जो साथ में ट्रेवल कर रहे हैं उनका व्यूज जानना चाहते हैं कि ऐसी फीलिंग है कि हम बता ही नहीं सकते आपको। कैसा लग रहा है, मुझे शिमला जैसी जगह पे। तो गाइस हम मतलब काफी एंजॉय कर रहे हैं, और आप भी चाहते, हम भी चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ साथ एंजॉय करें। और ये देखिए I-20 वाले जो हैं भैया, ये जज नहीं कर पाए कि ट्रक कितना चौड़ा है, तो इन्होंने बीच में डाल दी थी गाड़ी, फिर इन्हें पता चला कि गाड़ी तो निकल ही नहीं पाएगी मेरी। अच्छा वो ट्रक ऊपर से नहीं आया इनके। ये है यहाँ पे मारुति सुजुकी का शोरूम अरीना, वो भी बड़ा है ये। हाँ मतलब जगह स्पेस के हिसाब से तो काफी अच्छा बनाया गया है। ये देखिए गाइस, ये है हमारे सोलन के घर, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे। तो गाइज हम आ चुके हैं ये सोलन से आगे, और लैंडस्लाइड वाले पहाड़ों के बीच पत्थर भी गिर रहे हैं यहाँ पे, और आपको मैं व्यू दिखाता हूँ साइड में कैसा है, और आगे हर तरफ पहाड़ी पहाड़। गाइस हम आए हैं इधर, ये है हमारा स्ट्रेंज इन कैफे, और अभी यहाँ पे दो ऑर्डर, बहुत ही प्यारी जगह है, यहाँ पे बहुत सारे डॉग्स हैं, ये देखिए।
मजा आ रहा है क्या? मजा लाइफ में और क्या चाहिए? स्कैन कर दिया? हाँ क्या क्या है? बहुत ही प्यारा व्यू। सो अब गाइस हम होटल पहुंचने वाले हैं और करीब 5 किलोमीटर यहाँ से होटल है हमारा, जो कि हमने पहले ही बुक करा था। एक्चुअली आज संडे है तो हमने एक दिन पहले ही बुक करा दिया था होटल, और क्योंकि यहाँ संडे सैटरडे संडे फुल पैक रहता है वगैरह ना, तो बस हम पहुंचने वाले हैं और काफ़ी ख़तरनाक और स्टीप पहाड़ है यहाँ पे, और नीचे जो व्यू है वो बहुत ही ख़तरनाक है। खतरनाक ढलान, पर हमारी धार में हिल असिस्ट होने की वजह से हमने बहुत आराम से ले ली। चढ़ाते हुए मजा आएगा ना? चढ़ाते हुए नरेंद्र तुमने चढ़ानी है? चढ़ा तो दूंगा मैं, बट एक साल लग जाएगा। कितनी ज्यादा स्ट्रीक ढलान है, चुप रहने दो। अरे बाबा कैसी बात कर रहे हो, कंट्रोल भी तो है। कंट्रोल एक चीज है बट एक ज्यादा ही है। अरे फर्स्ट गियर कैफे नहीं गए तुम? फर्स्ट गियर कैफे में ऐसा ही है पूरा ढलान। हमारे साथ ही तो गया था फर्स्ट गियर में। हाँ तो वहाँ भी तो ऐसी ही ढलान। हम पहुँच चुके हैं होटल में और ये हमारी गाड़ी खड़ी हो गई है। हम जा रहे हैं अब रूम देखने, तो देखते हैं रूम कैसा है। यहाँ से आए थे हम और अभी इधर जा रहे हैं। ये सारा सर आपका ही है टोटली। ओके ये भी ठीक है, बाकी भी वॉशरूम यहाँ पे इसका। अच्छा यहाँ कल कोई था? बिल्कुल भी पैक ही चला हुआ, आजकल बहुत काम है सीजन स्टार्ट हो गया। अच्छा इसके ऊपर ये बंद है हमारे जो मालिक है होटल के, वो रहते हैं खुद रहते हैं, लेकिन ये बंद है यहाँ से कोई डिस्टरबेंस नहीं रास्ता वहाँ से। अच्छा यहाँ से कोई डिस्टरबेंस नहीं, पूरा बंद है यहाँ से कोई डिस्टरबेंस नहीं। बस 5 से 10 मिनट दो आप, ठीक है ठीक है हम नीचे ही हैं। आप रिसेप्शन में बैठ जाओ, पानी वगैरह पीना हो बिल्कुल वो आपको पिला देते हैं। ठीक है ओके।